मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रही पीड़िता गुलाब देवी। 10 साल में 2 सरकारें बदली, फिर भी पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रही पीड़िता। दूसरा जिले में मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक के पिता का नाम बदलने की साजिश करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर चल रहे ग्रामीणों के धरने में शनिवार को राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में विशाखापट्टनम में मजदूरी करने गए जयराम की मृत्यु हो गई। ग्राम पंचायत भावता में जयराम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया, जिसमें जयराम के पिता तेजराम मीणा का नाम बदलकर बलराम मीणा लिख दिया। इस मामले में पीड़िता मृतक की पत्नी गुलाब देवी 10 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन संवेदनहीन सरकार के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद ने कहा कि वे खुद एसपी से मिले थे, एसपी ने 15 दिनों में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह अन्यायपूर्ण घटना है जो सरकार को भारी पड़ेगी। धरने पर बैठे युवाओं से बोले कि भले ही वे बारिश में गल जाए, लेकिन पीड़िता को न्याय मिलने तक डटे रहें। 10 साल में 2 सरकारें बदल गई, लेकिन पीड़िता प्रमाण पत्र के लिए भटक रही है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। धरने पर युवा महेंद्र गांगड़िया, सुखदेव मीणा, ओम प्रकाश, पुरोहिता का भास, लोकेश आदि थे। राष्ट्रीय आदिवासी श्री मीन सेना संगठन व विकास समिति के जिलाध्यक्ष बबलू मीना भगलाई ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर गुलाब देवी को मुआवजा राशि और मृत्यु प्रमाण पत्र दुरुस्त कराने की मांग की।